65 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत, पेंशन मिलने में अब देरी नहीं होगी और महीना खत्म होने से पहले ही आपके अकाउंट में राशि जमा हो जाएगी, ऐसा सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो जानते हैं जानकारी डिटेल में क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। केंद्र सरकार ने अपने 65 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत प्रदान की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस CPAO को पेंशन भोगियों की तरफ से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि उनकी पेंशन राशि देरी से मिल रही है। यह भी देखने को मिला है कि कुछ पेंशन भोगियों को उसी महीने के आखिर में पेंशन नहीं मिल रही है। खाते में पेंशन राशि आने की प्रक्रिया में अगले माह के भी कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन सब के चलते वित्त मंत्रालय ने पेंशन के भुगतान में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। अब सभी पेंशन भोगियों को महीने के आखिर में पेंशन मिल जाएगी। केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र CPPC द्वारा महीने के अंतिम कार्य दिवस के प्रवाहन तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट भेजनी होगी। EPPO साइट पर यह बताना होगा कि महीने के आखिर में कितने पेंशन भोगियों के खाते में राशि भेज दी गई है। वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस CPAO के ने इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। सभी बैंकों के CPPC खुले हैं। विभाग से पेंशन लेकर उसे संबंधित पेंशन धारक के खाते में CPPC ही रिलीज करता है। केंद्र सरकार ने अपने 65 लाख पेंशनों को इसी के लिए बड़ी राहत दी है। बता दें कि वित्त मंत्रालय को मासिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलने में हो रही देरी को लेकर अनेक शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अधिकांश लोगों का पेंशन पर ही जीवन बसर होता है। ऐसे में पेंशन का देरी से पहुंचना उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। पेंशन में देरी को लेकर उन्हें अपने बुढ़ापे की अवस्था में संबंधित विभाग या बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। सभी बैंकों के CPPC खुले हैं। विभाग से पेंशन लेकर उससे संबंधित पेंशन धारक के खाते में CPPC ही रिलीज करता है। पेंशन पारिवारिक पेंशन पेंशन भोगी के खाते में उस महीने के अंतिम कार्य दिवस तक पहुंच जानी चाहिए, मार्च महीने को छोड़कर, जिसमें पेंशन को अगले महीने यानी अप्रैल के पहले कार्य दिवस पर जमा किया जाना चाहिए। बाकी के महीनों में आखिरी दिन या उससे संबंध पहले पेंशन राशि जमा हो जाए, मतलब महीना खत्म होने से पहले ही पेंशन धारक के खाते में पैसा आ जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस द्वारा 20 सितंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में किया गया है कि समय समय पर पेंशन भोगियों के साथ साथ पारिवारिक पेंशन भोगियों से उनके खातों में मासिक पेंशन पारिवारिक पेंशन जमा होने की देरी के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मासिक पेंशन पारिवारिक पेंशन के क्रेडिट में देरी से वृद्धावस्था पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को परिहार्य वित्तीय कठिनाइयां और चिंता का सामना करना पड़ता है। अब CPP को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि मासिक पेंशन पारिवारिक पेंशन निर्धारित समय सीमा के अनुसार हर महीने पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी के खाते में जमा कर दी जाए। निर्धारित समय सीमा से परे पेंशन पारिवारिक पेंशन जमा करने में किसी भी देरी को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। पेंशन या पारिवारिक पेंशन के समय पर संवितरण की निगरानी के लिए सभी CPPC को मासिक पेंशन या पारिवारिक पेंशन के क्रेडिट के संबंध में महीने के अंतिम कार्य दिवस के प्रवाहन तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह रिपोर्ट EPPO साइट यानी EPPO.NIC.IN पर लॉगिन करके जमा कराई जा सकती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आपको ये जानकारी अच्छी लगी? क्या इसका फ़ायदा आपको मिल पाएगा या फिर नहीं? इसके बारे में कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।